हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निधि चौहान एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू टिहरी इन 2020। तो जब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं फोर्थ ईयर में थी तो मैंने सोचा कि मुझे भी कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब सीनियर्स का रिजल्ट देखा या फिर जो अपने दोस्तों है उनसे भी सुना कि जैसे कोचिंग वगैरह, जैसे उन्होंने जयपुर और दिल्ली वगैरह से कोचिंग ली है तो उनके जो रिजल्ट थे वो बहुत अच्छे थे। तो मुझे भी था कि मुझे दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है। तो मैंने पेरेंट्स से भी बात करी तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया था कि हाँ तुम दिल्ली जा सकते हो, कोचिंग कर सकते हो। लेकिन उसके बाद पिछले साल आपको पता है कोविड की वजह से लॉकडाउन वगैरह लग गया था। तो फिर जब हम पास आउट होकर के आए तो दोस्तों ने बताया कि यहाँ एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रखा है और वो हमारे देहरादून में ही है। तो फिर जब मैं देहरादून आई तो उसके बाद क्या हुआ कि एक इंस्टीट्यूट के हम कोचिंग क्लासेस में हमने ज्वाइन करा। तो जिस जब फर्स्ट डे था हमारा डेमो का, जब मैं डेमो लेने गई तो उस दिन मैंने देखा कि जो सर ने जो कंसेप्ट जो क्लियर कराए, ठीक है, तो उससे मैंने उसी टाइम सोच दिया था कि हाँ एक इंस्टीट्यूट जो कोचिंग है वो बेस्ट है आई थिंक। क्योंकि उसके बाद मुझे लगा कि हाँ एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो कंसेप्ट क्लियरिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। फिर धीरे धीरे करके हुआ, जब कंसेप्ट और भी क्लियर होते गए धीरे धीरे करके, फिर जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्डअप होता गया। फिर हमारा क्या हुआ कि उसके बाद हमारा CHO का पेपर हुआ। फिर CHO के पेपर में जो हमारा रिजल्ट था एक इंस्टीट्यूट का वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे यहाँ से 50+ जो स्टूडेंट था उनका सिलेक्शन हो रखा था। फिर लॉकडाउन हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा AIIMS MSC का पेपर हुआ, उसमें भी हमारी क्लास से और जो हमारे बैचमेट्स थे उनका बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जो एक इंस्टीट्यूट है वो क्वालिटी बेस्ड स्टडी करवाता है। क्योंकि एक तो ऐसे होता है जब हम क्लास में पढ़ते हैं टीचर्स हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर करा देता है, दूसरा क्या करता है हमारा जब क्लास में हम रहते हैं तो जैसे टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं तो वहीं पे पूरा लर्न करा देते हैं, तो जब हम घर जाते हैं हम सिर्फ रिवाइज करते हैं तो उसमें हमारा मतलब पूरा हमें लर्न वगैरह हो जाता है। तो ये बेस्ट थिंग है एक इंस्टीट्यूट के, और उसके टीचर्स जो फैकल्टी है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद जो मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे तब तक स्टडी नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा क्या होता है डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ों पे हो जाता है। तो इस वजह से जो टीचर्स इतने कनेक्टेड रहते हैं और इतना मोटिवेट करके रखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं लास्ट में सबको यही सजेशन देना चाहूँगी कि एक इंस्टीट्यूट आइए और अपना सिलेक्शन ले जाइए। थैंक यू।